हमीरपुर से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे 34 जो कानपुर से सागर मध्य प्रदेश को जोड़ता है, इस हाईवे पर रोज हजारों ट्रक गिट्टी और बालू लादकर फर्राटा भरते हैं और आए दिन किसी न किसी हादसे को दावत देते रहते हैं। आज भी कबरई से फर्राटा भरता चला आ रहा एक ट्रक सुमेरपुर थाने के सामने अनियंत्रित हो गया और बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3रा गंभीर रूप से घायल हो गया। उपेंद्र शुक्ला लड़का गाड़ी चला रहा था, मौदहा से हमीरपुर की तरफ जा रहा था, तभी थाने के सामने एक गिट्टी लदा ट्रक पीछे से आया, उसने टक्कर मारी जिससे महिला और एक बेटा उसका पिछले पहिए के नीचे आया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई और जो चला रहा था उपेंद्र वो दूसरी साइड गिरा जिससे उसके पैर में और हाथ में चोट आई। हादसा इतना विवश था कि ट्रक के पहिए के नीचे आए 2 लोग सड़क पर ही पिस गए और खबर में दिखने लायक भी नहीं बचे। चूंकि मामला सुमेरपुर थाने का था इसीलिए पुलिस को मौके पर पहुंचने में देर नहीं लगी और पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुबह के समय पर एक व्यक्ति अपनी मामी और ममेरे भाई के साथ आ रहा था थाने से करीब 100 मीटर आगे, पीछे से आ रही एक भारी वाहन से महुआ की तरफ से आ रही टक्कर होने